लोग प्रोग्राम करने जाते हैं तो वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम करते समय कोई 500 कोई 1000 का यानी कि नोट दिखाता है, 2000 का नोट दिखाता है, क्या सोच करके आप लोग को यानी कि इस तरह से देखने का प्रयास करता है? गलत नज़र से देखता है, गलत आदमी सोचता है, इसलिए ऐसा करता है। तो क्या आप लोग गलत हैं क्या? आपकी जो छोटी बहन है, आप चाहिएगा कि इस लाइन में हम उसको लेकर के आए, इससे भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करवा? आप लोग का पढ़ाई लिखाई क्या है? मैं तो 6 तक पढ़ी हूँ। 6 तक पढ़ी हैं आप? 10। अच्छा, आप यहाँ कमा कितना लेते हैं? 30,000-40,000 ऐसे हो जाता है महीने का। हाँ। तो बंगाल से लड़की है, बहुत फेमस हुई है, दिशा जो मुखिया की बेटी है। हाँ। जानते हैं आप लोग उनको? नहीं। नहीं कि जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं और कुछ में यानी कि झंडा में जाते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं माई मनी के साथ और काजल राज सबके साथ करे। माई मनीषा के भी साथ डांस किया है? ऐसा है, उतना नहीं मिलता है जितना चला सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि 3 बहन है। आप लोग का शादी हुआ है? नहीं, आपका शादी हुआ? नहीं। आपका यानी तो आप लोग आने वाले भविष्य में यानी कि मैरिड भी कीजिएगा, शादी भी कीजिएगा? नमस्कार, मैं हूं सूरज पटेल, आप एचडी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूं और मुजफ्फरपुर की यह साहेबगंज है और साहेबगंज के केशव चौक पे हूं और केशव चौक पे शिवाका ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप इनके ऑफिस में आए हैं और हमारे साथ 2 लड़कियां हैं जो कि बंगाल से चल करके बिहार में धमाल मचा रही हैं। सबसे पहले इन लोगों से मैं इनका परिचय जानने का प्रयास करता हूं कि इनका क्या नाम है और कहां से आई हैं और इस शिवाका ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप में क्या परफॉर्मेंस करती हैं, क्या करती हैं। सबसे पहले आप दोनों अपना नाम बताइएगा। सुप्रिया मंडल। आपका नाम? अनन्या। अनन्या, यह सुप्रिया हैं और यह अनन्या हैं। आप लोग आए कहाँ से हैं? कलकत्ता से, यानी बंगाल से। हाँ। आप भी बंगाल से? हाँ, हैं? मैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, बंगाल से बिहार कब आए हैं आप लोग? हम तो 2 साल पहले आए हैं। और आप? 1 साल। 1 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले आप बंगाल से बिहार कैसे आए, किन के साथ आए? मैं मेरे फुआ के साथ आई हूँ। और आप? अकेला। अकेले आ गई? अकेले यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे शिवाका म्यूजिकल और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में बंगाल से डायरेक्ट यहाँ कैसे आ गए? आ गया मतलब भैया के साथ फेसबुक से कांटेक्ट हुआ था तो उसके बाद कॉल किया था, उसके बाद आया है। अच्छा। आप लोग का पढ़ाई लिखाई क्या है? मैं तो 6 तक पढ़ी हूँ। 6 तक पढ़ी हैं आप? 10th पास है? पास है कि या छोड़ दिए? पास है। देखिए, यहाँ पे बंगाल से लड़की आती है बिहार में ताकि आप लोग का मनोरंजन करा सके, लेकिन इनके पीछे की भी कुछ कहानियाँ होती है और कोई नहीं चाहता है कि हम इतने दूर से आकर के और इतने दूर आकर के कुछ करें अपने परिवार के लिए, लेकिन क्या मजबूरियाँ है इसके बारे में इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस मजबूरी में आप लोग बंगाल से साहेबगंज की धरती पर आ गए। मेरे घर का दिक्कत था इसलिए आ गया। क्या घर का क्या दिक्कत था? पापा अकेला मतलब सिंगल नहीं चला पा रहे थे इसलिए। यानी पापा अकेला कमाते थे जिसको लेकर के आपका परिवार का भरण पोषण नहीं होता था, इसलिए आपको मजबूरियां खींच करके यहाँ पे लाई है। हाँ। और आपका? मजबूरी था और कुछ बनना था, दोनों ही शौक। यानी कि मजबूरी भी है और सपना भी था कि कुछ बन करके दिखाए। देखिए, मजबूरी भी था और सपना भी था, लेकिन मजबूरी ही इस लाइन में खींच करके आप लोगों को लाया है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग प्रोग्राम करने जाते हैं तो वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम करते समय कोई 500 कोई 1000 का यानी कि नोट दिखाता है, 2000 का नोट दिखाता है और कुछ अश्लील कमेंट करता है यानी कि भाषा का प्रयोग करता है, तो उस समय क्या आप लोग का यानी कि फीलिंग्स होती है, रिएक्शन होता है? वो जो दिखा रही है, जो बोल रहा है, उसको बोलने दो, दिखाने दो, हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग को काम करने। यानी क्या सोच करके आप लोग को यानी कि इस तरह से देखने का प्रयास करता है? गलत नज़र से देखता है, गलत आदमी सोचता है, इसलिए ऐसा करता है। तो क्या आप लोग गलत हैं क्या? नहीं, हम लोग गलत क्यों होंगे, सब लड़के अच्छा ही होता है। यानी कि जैसे लोग डांस करना अदर चीज में लोग डांस करता है, आप लोग प्रोग्राम में डांस करती है, बस फर्क यही है। और कोई यानी कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। देखिए, और यानी कि अब हम आप लोग से सवाल कुछ करना चाहते हैं, आप लोग के घर में जैसे कि भाई भी होंगे, पिताजी भी होंगे, माता भी होगी, तो वो लोग जब यहाँ से आप लोग जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उन लोग का क्या समर्थन रहता है, क्या सपोर्ट रहता है? वो लोग तो सपोर्ट करते रहता है कि तुम डांस करो, कुछ बनो। हाँ। तो डांस करके आप लोग क्या बनना चाहते हैं? हम लोग फेमस होना चाहते हैं। हाँ। कि हम लोग ही फेमस है। अच्छा, तो यानी कि जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं और कुछ में यानी कि झंडा में जाते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं माई मनी के साथ और काजल राज सबके साथ करे। माई मनीषा के भी साथ डांस किया है? हाँ। काजल राज के साथ? हाँ। तो वो तो लोग काफी फेमस हैं।
हाँ, तो आप लोग भी चाहते हैं कि माही मनीषा काजल राज की तरह बने? हाँ, उसकी तरह ही कुछ। वो बंगाल से लड़की बहुत फेमस हुई है, दिशा, जो मुखिया की बेटी है। हाँ। जानते हैं आप लोग उनको? नहीं। नहीं जानते हैं। काफ़ी पॉपुलर हो गई है इधर कुछ दिनों में, जो कि वो भी ऑर्केस्ट्रा में ही डांस करती हैं। लेकिन एक बात बताइएगा, और आप, आपकी जो छोटी बहन है, आप चाहिएगा कि इस लाइन में हम उसको लेकर के आए, इसे भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाए? वो तो पढ़ाई करती है ना, उसको पढ़ाई करने दो, कुछ बनने दो। तो पढ़ाई कौन करवाता है, आप करवाती हैं? नहीं, मेरे पापा। पैसा तो आप ही देती होंगी? नहीं, हम पैसा वैसा नहीं कुछ देते हैं, मैं बस अपने ही चलाती हूँ। अच्छा, आप यहाँ कमा कितना लेते हैं? 30,000-40,000 ऐसा हो जाता है महीने का। तो पूरा साल तो काम नहीं चलता होगा? नहीं, महीना में, यानी साल में कितना, 4-5 महीना काम चलता होगा आप लोगों का? 4 महीना। 4 महीना, उसके बाद आप लोग यहाँ से घर चले जाते हैं? हाँ। वहाँ क्या करती हैं? वहाँ क्या करेंगे, वहाँ भी डांस वगैरह करती हैं क्या? नहीं, वहाँ पे स्टेज से होता है तो वहाँ पे ही करती हूँ। बचपन से वहाँ पे डांस करती थी, तो जब उधर प्रोग्राम बंद हो जाता तो इधर होता है 4 महीने, तो इधर चले आता, इधर करती हूँ। अब इधर बंद हो जाएगा तो उधर चले जाएंगे, उधर भी करेंगे, ऐसे ही करती हूँ। आप बता रही थी कि आपके पिताजी क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। तो आजकल तो ड्राइविंग में बहुत पैसा है? नहीं, पैसा है उतना नहीं मिलता है जितना चला सकता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि 3 बहन है, एक बहन का शादी हो गया और दूसरी बहन वो तो पढ़ाई कर रही है 10th में, तो बहुत खर्चा है, तो इसलिए। और बंगाल में तो हर चीज़ किनना पड़ता है ना, तो इसलिए। तो आपके घर में और कौन सदस्य है? हाँ, और कोई नहीं है, मम्मी पापा और 3 बहन। 3 बहन, तो आप सबसे बड़ी हैं क्या? नहीं, बड़ी बहन का शादी हो गया। अच्छा, शादी हो गया। आप लोग का शादी हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी आपका शादी हुआ है? नहीं आपका, यानी तो आप लोग आने वाले भविष्य में, यानी कि मैरिड भी कीजिएगा, शादी भी कीजिएगा? हाँ, वो तो करना ही तो होगा, शादी तो। कितना उम्र हुआ है आप लोगों का? मेरा उम्र 21 और आपका 18 साल हुआ है। देखिए, बंगाल से बिहार चल करके आप लोग को मनोरंजन कराने के लिए ये लोग यहाँ आते हैं, ताकि आप लोग मनोरंजन कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों को गलत भावनाओं से, गलत नज़रों से देखा जाता है जब ये स्टेज प्रोग्राम करने जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अपना ये करेक्टर इसी में ढाल चुकी है, ताकि लोगों को मनोरंजन करा सकें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इनको उस नज़र से देखते हैं, ताकि उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आप लोगों को गलत नज़र से देखता है? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सबको एक जैसे देखना चाहिए, कि वो लोग हम लोग के लिए वो लोग डांस कर रहा है, तो उसको अच्छे से देखना चाहिए, यही बोलना चाहिए। एक बार अपने दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं कि आप किस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में हैं, उसका नाम बताइए, ताकि उसको ढेर सारा प्यार लोग दे सकें? तो हम लोग का ऑर्केस्ट्रा का नाम है शिवा का ऑर्केस्ट्रा। तो आप लोग आइए, साटा बनवाइए और हम लोग को बहुत सारा प्यार दीजिए, कि हम लोग बड़ा हो सकते हैं। अच्छा, शिवा का ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल कहाँ पे है? केसर चौक पे, केसर चौक। हाँ। साहेबगंज। हाँ, साहेबगंज। आप लोग से मिलने के लिए लोग साहेबगंज आ सकता है? आ सकते हैं। देखिए, अगर इन लोग से प्रोग्राम आप करवाना चाहते हैं तो आप साहेबगंज केसो चौक पे आइए, और यहाँ पे इनका ऑफिस है, और इस ऑफिस में आप अपना जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में प्रोग्राम बनवा सकते हैं। तो देखते रहे हमारे पेशकश को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।